बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड एक्सपो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खैरियत से रखे, अपने हिस्सों मान में रखे। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ रोजेट केक की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, तो चलें अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 eggs और इनको मैं बीट करूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर। यहाँ पे मैंने शुगर लिया है 100 grams और ग्रैनुलेटेड शुगर है। थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी और इनको बीट कर लूँगी और थोड़ी सी और ऐड करूँगी और इसको दोबारा से बीट करूँगी। टोटल मैं इसको 5 to 7 minutes के लिए अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। सात मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से अंडों को बीट किया है चीनी में और अब इसमें मैं मैदा ऐड करूंगी। मैदा मैंने लिया है 100 ग्राम और थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करती जाऊंगी और साथ में इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है 4 ग्राम और मैं वो ऐड करूंगी। मैदा और बेकिंग पाउडर छान के यूज करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। एक टीस्पून मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस ऐड कर दिया है इसमें और मिक्स कर लिया है। बैटर जो है केक के लिए रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, पैन मैंने लिया है 6x6 का और इसमें मैं जो बैटर है केक के लिए रेडी किया है वो पोर कर लूँगी। इसको हम टैप करेंगे और उसके बाद मैं इसको पैन में बेक करूँगी। पैन में मैं इसको बेक करूँगी 35 to 40 minutes के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, और ओवन में हम इसको बेक कर सकते हैं 25 से 30 minutes के लिए 180°C पे। और जो केक है हमारा वो बेक होके रेडी हो गया है और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा और उसके बाद इसकी आइसिंग स्टार्ट करेंगे। कि 4 eggs में कितना अच्छा केक बेक हुआ है। और यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 350 grams। इसको मैं व्हिप करूँगी बिल्कुल, पहले इसको लो स्पीड पे व्हिप करेंगे, उसके बाद इसको हम हाई स्पीड पे व्हिप करेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी पर्पल, और आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और इसको हम दोबारा से बीट करेंगे। टोटल मैं इसको 5 to 7 minutes के लिए बीट करूँगी, इससे ज़्यादा मैं इसको बीट नहीं करूँगी क्योंकि फिर क्रीम जो है वो फटी फटी सी नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। और अब हम केक को मैंने 3 हिस्सों में काट लिया है, 3 layers मैंने काटी हैं और उसके बाद मैं अब इसको शुगर सिरप के साथ सर्व कर लूँगी। केक की लेयर को हम सोक करते जाएंगे और उस पर हम क्रीम की आइसिंग करते जाएंगे। अब इस लेयर को सोक करेंगे और इस पे क्रीम की आइसिंग करेंगे। थर्ड लेयर मैंने रखी है, इसको मैं सोक करूंगी और इसके ऊपर आइसिंग करूंगी। थर्ड और लास्ट लेयर है ये। की आइसिंग कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे मैंने नोजल ली है और उसके बाद मैंने पाइपिंग बैग लगाया है और इससे मैं रोजेट बनाऊंगी पूरे केक के ऊपर, कुछ लाइट कलर के, पर्पल कलर के और कुछ डार्क कलर के। आप भी इसी तरह से बना लीजिए।
तो हमने रोजेज से सारे फ्लावर बना लिए हैं और मैं इसके अब ऊपर स्प्रिंकल्स लगा दूंगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा जबरदस्त सा रोजेज केक रेडी हो गया है। अब इसको काट के आपको दिखा देते हैं कितना जबरदस्त बना है, बहुत ही टेस्टी। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।